आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और तीन एप्लीकेशन के टाइटल्स भी बताए थे, जिनमें फर्स्ट है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन एक चीज जो आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखनी है वो ये कि जब भी सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज किया जाएगा तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। अगर कोई मास है, मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, आप उसको 5 किलोग्राम बोल दो या 5 ग्राम बोल दो, तो किलोग्राम या ग्राम ये क्या है, ये है यूनिट्स। ये यूनिट्स चेंज हुए लेकिन है तो अभी भी वो क्या, मास। तो हमेशा याद रखना जब भी हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करेंगे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में तो फिजिकल क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, जनरली हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मीनिंग या फिर जितने नंबर उसके दे रखे हैं, कितने नंबर्स में है वो कांस्टेंट टर्म्स जो है उसके साथ, इनटू में यूनिट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। फॉर एग्जांपल लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 मीटर। अब देखिए लेंथ क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी, 5 है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर जो साथ में लगा हुआ है, और मीटर क्या है, उसकी यूनिट है। इस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो जनरलाइज करते क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी अगर क्यूब है तो इस मैग्नीट्यूड को एल लिख देते हैं और यूनिट को लिखते हैं यू। तो एक रिलेशन निकल आता है हमारे पास ये कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट। ये हमें ये बताता है कि ये यूनिट कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे लेंथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर, तो मीटर जो है 1 मीटर इज द यूनिट, कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ है। तो एन हमें ये बताएगा वो चीज कितनी बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये चीज आपको माइंड में क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले ली क्यू, अकॉर्डिंग टू दिस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो उसका नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड है n1, दूसरा उसकी यूनिट, डायमेंशन यूनिट जो है, तीन में हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली mlt, जो बेसिक हमने देखा अभी तक हमारे पास, तो वो है mlt। अब ऊपर पावर्स भी होंगे कुछ, हर किसी में पावर होती है, जैसे लेंथ में यहाँ 1 होती है, एरिया निकालोगे तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम निकालोगे तो मीटर क्यूब, 1, 2, 3। यहाँ हमें क्वांटिटी का नहीं पता तो हमें पावर भी नहीं पता, हम मान लेते हैं पावर यही, इसकी ए, इसकी बी और इसकी सी, क्लियर। दूसरी बात, ये हमने एक सिस्टम माना है, उसको कन्वर्ट करने वाले हैं दूसरे सिस्टम में, तो पहले सिस्टम के लिए हम यहाँ पर इनको 1, 1, 1 लिख लेते हैं ताकि पहचान रहेगी कि जो 1 लिखे हुए ये पहला सिस्टम है, और जब हम दूसरे का मानेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपके पास। ये रिप्रेजेंटेशन हुई एक फिजिकल क्वांटिटी की, कैसे, जितना उसका मैग्नीट्यूड है पहले सिस्टम में है तो मैग्नीट्यूड n1 ले लिया, और फर्स्ट सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन mlt, फर्स्ट सिस्टम के लिए 1, 1 लगा दिया और पावर हमें पता नहीं थी तो ए बी सी लिख दिया हमने। दूसरा सिस्टम, जब इस चीज को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, क्यू तो क्यू ही रहेगा क्योंकि व्हेन सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, ये तो यही रहेगा। जैसे अब अगर मैं इस 5 मीटर को सेंटीमीटर में करूं तो आप क्या लिखोगे, 500 सेंटीमीटर। तो मैंने 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर लिख दिया तो क्या अब ये लेंथ कुछ और हो गई, क्या लेंथ की जगह अब यहाँ पे मास आ जाएगा, नहीं रहेगी, तो अभी भी क्या रहेगी, लेंथ ही तो रहेगी। चेंज क्या हुआ,
यहां n1 था तो सिस्टम चेंज होते ही n2 आ गया, यहां एक सिस्टम में थी यूनिट मान लो ये mks है, सिस्टम ऑफ यूनिट आपने किया है, ये क्या आ गया cgs आ गया, तो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होंगे लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो हमने जब q माना ये कोई दूसरा सिस्टम है तो n2 n1 की जगह क्या आएगा n2 और mlt दूसरे सिस्टम के लिए आपने 2 लगा दिया, पावर सेम ही रहने वाली है। सेम कैसे रहेगी उसका भी एग्जांपल देख लो, लेंथ की जगह एरिया ले लूं, अगर मैं इसका एरिया था 5 मीटर स्क्वायर, अगर इसी एरिया को मैं सेंटीमीटर में निकालता तो क्या लिखता सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है मीटर एमकेएस सिस्टम, ये है सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम, क्या पावर पे फर्क आया दोनों के, नहीं, पावर अभी भी क्या है स्क्वायर ही है, वॉल्यूम लेते यहां एम क्यूब यहां सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि जब आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हो तो उसका जो पावर्स है वो चेंज नहीं होती, डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी, तो पावर दोनों में क्या रहेगी सेम। तो इसलिए मैंने यहां पे भी पावर एबीसी लिखी और यहां पे भी पावर एबीसी लिखी, चेंज कहां दिखाया ये सेकंड सिस्टम है ये फर्स्ट सिस्टम है, बात आ रही है आपको समझ में। एक तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती, चेंज होता है मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट्स, और ना ही पावर्स कभी चेंज होती, पावर भी हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। अब देखिए कैसे करते हैं हम, क्वांटिटी तो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी कंपेयर कर दें, तो देखिए n1 m1 a l1 b t1 c मस्ट बी इक्वल्स टू n2 m2 l2 t2 c b a, देख सकते हैं निकालना क्या है, देखो इसमें आपको n1 गिवन होगा, ये गिवन होगा कि एक सिस्टम आपको कौन सा दे रखा है एमकेएस दे रखा है या क्या दे रखा है, ये भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको कन्वर्ट कौन से सिस्टम में करना है, ये भी बता देंगे कि सीजीएस में करना है एफपीएस में करना है किस में करना है, पूछा क्या जाएगा n2 पूछा जाएगा, ये पूछेंगे कि अगर एक सिस्टम में एमकेएस सिस्टम में लेंथ 5 मीटर है तो CGS सिस्टम में लेंथ कितनी होगी, तो CGS बोलते ही आपको ये तो पता लग गया कि M को किस में बताना है सेंटीमीटर में, तो कितनी होगी का मीनिंग आपको क्या निकालना है, ये 500 निकाल के दिखाना है कि 500 होगी, तो निकालना क्या है N2 को इधर रखें बाकी सब को इधर ले आएं, N2 is equals to N1 M1A L1 B divided by M2, L2, T2, C। अब देखिए, बेस सेम है, तो पावर को कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, M1 by M2 की पावर A, L1 by L2 की पावर B, T1 by T2 की पावर C। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि मास को मास के नीचे ही रखना है, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी, आपने होमोजेनिटी प्रिंसिपल आगे आएगा हमारे पास, अभी हम करेंगे उसको डिस्कस, कि सेम चीज को सेम चीज से ही डिवाइड किया जा सकता है, लेंथ को लेंथ में टाइम को टाइम में, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें यहां पर कांस्टेंट टर्म चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 5 मीटर या सॉरी मीटर को, जैसे इनके एग्जांपल से मीटर को सेंटीमीटर से डिवाइड करूंगा तो आपको कांस्टेंट नंबर चाहिए, कैसे आएगा आप मीटर को लिख दोगे 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, सिर्फ क्या बचने वाला है 100। तो इस तरीके से हम जो टर्म्स हैं जो आपकी यूनिट्स हैं उनको यहाँ ब्रैकेट में कैंसिल आउट करने वाले हैं, और कैंसिल आउट कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगी कांस्टेंट टर्म आपके पास बचेगी। तो ये जो है ये फॉर्मूला है आपके पास कन्वर्ट करने का एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम इन्हीं चीजों को करेंगे एग्जांपल्स के साथ, हम एग्जांपल्स कर लेते हैं, देखिए
जब एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे इन चीजों को सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आपको इनके पेज पे करने हैं। ये मेथड एक्सप्लेन करना नहीं आने वाला आपके पास कि मेथड एक्सप्लेन करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट वेलोसिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपकी, वेलोसिटी कन्वर्ट हो गया, किसमें करनी है वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर को कर दो मीटर पर सेकंड में। ये है फिजिकल क्वांटिटी। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है एमकेएस, जिसमें एन वन की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। कन्वर्ट करना है दूसरे सिस्टम में, ठीक है, सॉरी ये एमकेएस है, ये आपको बड़ा यूनिट उसमें दे रखी है, तो आपको इसको इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। दोनों गिवन है आपको, एन वन आपको गिवन है, तो आपको यहां पर क्या निकालना है, एन टू जो है वो आपको निकालना है। सबसे पहली बात जो आप करोगे, जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा आपके पास, एम जीरो मास तो होता नहीं, एल वन टी माइनस वन, ये आपको पता है एल वन टी माइनस वन है, ये चीज आपको पता ही है। हमने क्यों लिया सबसे पहले, क्योंकि इसको लेने से आपके पास पावर्स की वैल्यू आ जाएंगी कि m की पावर जो a लिखते हो वो तो 0 है, l की पावर जो b लिखते हो उसकी वैल्यू 1 है, और t की पावर जो c लिखते हो उसकी वैल्यू क्या है माइनस 1 है। ये चीज आपके पास आ जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं मेथड जो हमने करना था कंपैरिजन वाली इक्वेशन से सीधा। n1 m1 l1 t1 equals to n2 M2, L2, T2 पावर्स लगाएंगे। अभी कितनी पावर A, B, C की जगह 0, 1, माइनस 1, वो दोनों तरफ सेम है, क्लियर। आगे वैल्यूज पुट करते हैं, N1 की वैल्यू 1, मास की कोई चीज है इसमें, मास से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दो इसको, वैसे पावर 0 थी। L1 लेंथ किसमें, किलोमीटर में, तो ये आ गया किलोमीटर। पावर कितनी 1, टाइम किसमें आवर्स, पावर कितनी माइनस 1। n2 निकालना है, मास तो नहीं है छोड़ दो, l2 लेंथ अब किसमें मेजर करनी है मीटर में, पावर 1, टाइम को सेकंड में, पावर माइनस 1। देख लीजिए सिर्फ वैल्यूज पुट की है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। n1 की जगह 1 मीटर मास यहां पर है नहीं, लेंथ को किलोमीटर पावर लगा दो, टाइम को आवर पावर वही लगा दी, ऐसे ही लेंथ को मीटर पावर वही और टाइम को सेकंड पावर वही। वैल्यू किसकी n2 की, तो n2 किसके इक्वल आएगा n1, ये दोनों चीजें इनके अपॉन में आ जाएंगी, किलोमीटर 1 आवर माइनस 1 मीटर 1 सेकंड माइनस 1। 1 तो छोड़ दो, 1 ने मल्टीप्लाई में, इसको तो भी इग्नोर करो, ये देखो कंबाइन करके लिखते हैं। अभी बताया था आपको दोनों चीज क्या है, लेंथ है तो पावर इकट्ठी लिख लेंगे, यहाँ पे भी आवर सेकंड पावर इकट्ठी लिख ली। हमें कांस्टेंट नंबर चाहिए n2, कैसे होगा, किलोमीटर को मीटर में लिख सकते हैं, नीचे तो है मीटर ऊपर है किलोमीटर, कितना होगा एक मीटर, सॉरी एक किलोमीटर में मीटर कितने हुए 1000, ऊपर भी मीटर आ गया पावर 1, नीचे यहां देखिए नीचे तो है सेकंड ऊपर है आवर, 1 आवर में कितनी सेकंड हुई 3600 सेकंड, पावर कितनी माइनस 1, सेकंड से सेकंड मीटर से मीटर कैंसिल आउट, क्या बचा पावर 1 है तो ये तो आ गया, ये यहां बचा 3600, पावर है माइनस 1 तो यानी कि वो कहां आएगा अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या आया 5/18, ये है n2 की वैल्यू। तो अब वो चीज क्या बनी कि 1 किलोमीटर पर आवर इसके इक्वल है 5/18 मीटर पर सेकंड, ये आया रिलेशन आपके पास।
कन्वर्जन फैक्टर मिल गया। अगर आप अब आपको कोई कहे कि ये बताओ 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चल रही है चीज, मीटर पर सेकंड कितना होगा, तो आप डायरेक्टली 72 की किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। कन्वर्जन फैक्टर आ गया, N2 की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये था एक एग्जांपल हमारे पास, और करते हैं एग्जांपल। देखिए सिर्फ मेथड आपको फॉलो करना है कि आप कैसे उसको कर रहे हो, क्वेश्चंस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, इसमें प्रैक्टिस आपने करके देखनी है इन चीजों की। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स टू CGS सिस्टम, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स टू CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में फोर्स को मेजर करते हैं डाइम्स में, जैसे MKS में न्यूटन है, CGS में जो है उसको क्या बोलते हैं, डाइम्स बोलते हैं। देखो वैसे तो आप न्यूटन तो हमने जनरल एक यूनिट लिखी है, वैसे जब आप फोर्स निकालोगे तो क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वो किलोग्राम वगैरह जो था वो क्या हो जाएगा, ग्राम क्या सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। लेकिन जैसे इसको न्यूटन बोलते हैं तो फिर CGS में क्या बोलते हैं, हम डाइम बोलते हैं। मेथड वही है, आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको बताई थी क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ताकि आपको ABC की पावर पता हो। ये होता है m1 l1 t-2, ABC की पावर हो गई पता। अब इक्वेशन क्या है, n1 m1 l1 t1 इक्वल्स टू n2 m2 l2 t2 और पावर 1 1 -2 1 1 -2। वही मेथड फॉलो करेंगे, n1 की वैल्यू 1, MKS सिस्टम है, मास को किसमें मेजर करते हैं किलोग्राम, पावर कितनी 1, लेंथ को मीटर में, पावर कितनी 1, टाइम को सेकंड में, पावर कितनी -2। N2 हमें पता नहीं, CGS सिस्टम में करना है तो मास को किसमें करेंगे ग्राम, पावर कितनी 1, लेंथ को सेंटीमीटर, पावर कितनी 1, टाइम को सेकंड ही है इसमें भी, पावर कितनी -2। क्लियर है, देखो आपको गिवन सिस्टम भी है, कन्वर्ट जिस सिस्टम में करना है वो भी गिवन है, यहाँ पर N2 निकालना है, तो N2 किसके इक्वल 1, इसके अपॉन में तो आ गया ग्राम पावर 1 1, सिमिलरली m पावर 1 सेंटीमीटर की पावर 1 सेकंड -2 -2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है, यहाँ सेम नहीं है, लेकिन इनको हम सेम करेंगे। देखिए 1 तो है, 1 की मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगी, किलोग्राम बाय ग्राम पावर कंबाइन कर लीजिए, ब्रैकेट बड़ी कर ली हमने, ऐसे ही मीटर बाय सेंटीमीटर, ये आ गया। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको कैंसिल आउट करना है, क्योंकि आपको तो एक कॉन्स्टेंट नंबर चाहिए। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम लिखा, नीचे आ गया ग्राम, मीटर को 100 मीटर लिखा, 100 सेंटीमीटर, नीचे आ गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, ये कितना 3 0 और वो कितनी 2 0, क्या आया 10 की पावर 5, 5 0 आ गया। तो यानी कि 1 न्यूटन किसके इक्वल है 10 की पावर 5 डाइम के, ये आ गया कन्वर्जन फैक्टर आपके पास। आ रहा है आपको समझ में, एक एग्जांपल और कर लेते हैं बस, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस का काम रह जाएगा कि आप लोग कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो इस चीज की। एक एग्जांपल हम और करके देख लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अर्ज, 1 जूल एनर्जी
into अर्थ। जूल सीजीएस एमकेएस सिस्टम है, अर्थ जो है वो सीजीएस सिस्टम है। जूल एसआई यूनिट में हम जूल बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम में, और जब सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो उसी जूल को क्या बोला जाता है, अर्थ बोला जाता है। तो आपको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे पहला स्टेप डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी, ये आपको याद होना चाहिए होगा, एम वन एल टू टी माइनस टू। अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले याद होनी चाहिए, तभी हम इसमें स्टेप टू स्टेप आगे चल रहे हैं। पहले वीडियोस में ये चीज बताई, अब इसी की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेप इक्वेशन लिखना, एन वन एम वन एल वन टी वन पावर लिख दीजिए साथ में, एन टू एम टू एल टू टी टू पावर लिख दीजिए। वैल्यू करते हैं पुट, एन वन की वैल्यू वन, मास एमकेएस सिस्टम है ये, तो मास हुआ किलोग्राम पावर वन, लेंथ हुआ मीटर पावर टू, टाइम हुआ सेकंड पावर माइनस टू। एन टू निकालना है, सीजीएस यूनिट है ये सिस्टम जो है वो सीजीएस है, तो मास हुआ ग्राम में पावर वन, सेंटीमीटर में लेंथ हुई पावर टू, और सेकंड हुआ एस, दोनों में एन टू की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर देखिए वन किलोग्राम, इकट्ठा कर देता हूं मैं कंबाइन अभी से, पावर कॉमन ले ली, मीटर बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ क्योंकि सेम है आपके पास। अब सिर्फ कैंसिल आउट करना है, देखिए किलोग्राम में ग्राम कितने, हजार, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम पावर वन, मीटर में सेंटीमीटर कितने, हंड्रेड, नीचे भी सेंटीमीटर ऊपर पावर टू, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, कितनी बची पावर, इधर तो थाउजेंड, हंड्रेड का स्क्वायर करना है तो चार जीरो बन जाएंगे वहां पे, टोटल कितनी जीरो हो गई, चार और तीन सात, ये आ गया आंसर। तो आप क्या लिख सकते हो, वन जूल किसके इक्वल है, टेन की पावर सेवन अर्थ, ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास। ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, कैसे एक सिस्टम को कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरे सिस्टम में, और तीन एग्जांपल्स भी हमने क्या है इसके किए हैं।